राजस्थान में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया। जयपुर की विद्याधर सीट से सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं और पहले ये चर्चा थी कि नरपत सिंह राजवी की जगह उनके बेटे को पार्टी टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजवी विद्याधर नगर से लगातार चुनाव जीत रहे थे और इसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। दिया कुमारी की जयपुर की राजनीति में एंट्री हो गई है। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोग दिया कुमारी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने जो 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लिस्ट में कई दिग्गजों के टिकट कट गए हैं। वसुंधरा राजे समर्थक राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि नरपत सिंह राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। राजस्थान की राजनीति में कभी वसुंधरा समर्थक तो कभी उनके विरोध की राजनीति करने के लिए वो जाने जाते हैं। जयपुर की विद्याधर नगर से कई बार विधायक बने। पिछली बार कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया भी था। नगर से अनीता सिंह भी टिकट दिया गया है और सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे की नहीं चली। वसुंधरा राजे ने जिन नामों की पैरवी की थी उन्हें पार्टी आलाकमान ने नहीं माना है और इस बीच राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को टिकट मिलना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।